हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे शरीर में खुजली होने के कारण और उसके घरेलू इलाज। साथियों, हम इस चैनल में आपके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय लेकर आते हैं और हम जो भी जानकारियां और नुस्खे आपको बताते हैं वे पूरी रिसर्च और एक्सपर्ट्स की राय से होते हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहें। यदि आप चाहते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथियों, खून की खराबी के कारण खुजली हो जाती है। ये रोग अधिक खतरनाक नहीं है, लेकिन यदि असावधानी बरती जाए तो ये रोग जटिल बन जाता है। इसीलिए रोगी को खाने पीने के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जहां तक हो सके बाजार के खुले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि रोग बड़े पैमाने पर हो तो नमक और नमकीन चीजों को खाना बंद कर दें। इसके साथ साथ इमली, अचार, नींबू, टमाटर, तेल, लाल मिर्च, चाय आदि का सेवन त्याग देना चाहिए। साथियों, जानते हैं इसके कारण क्या है। दोस्तों, ये एक संक्रमण रोग है। यदि घर में किसी एक व्यक्ति को खुजली हो जाती है तो यह धीरे धीरे पूरे परिवार के सभी सदस्यों को घेर लेती है। ये गर्म चीजों को खाने, छूने, श्वास के साथ जीवाणु, गलत इंजेक्शन लगवाने, अधिक शराब पीने, गुटखा या पान तंबाकू खाने आदि के कारण भी हो सकती है। दोस्तों, इसकी पहचान है त्वचा पर लाल रंग के चित्तेदार दाने निकल आते हैं। इनमें बहुत अधिक खुजली होती है। रोगी उसे खुजाते खुजाते दुखी हो जाता है। खुजली में जलन होती है तथा धीरे धीरे लाल ददोरे से पड़ जाते हैं। कई बार खुजाते हुए ददोरे छिल जाते हैं और उनमें से खून निकल आता है। पक जाने पर पतला पानी सा पीव रिसने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं खुजली की समस्या को कैसे दूर किया जाए। रात को तांबे के बर्तन में थोड़ा सा दही रख दें। सुबह दही का रंग कुछ नीला पड़ जाएगा। इस दही को उसी बर्तन में कुछ देर तक फेंटें, फिर इस मलहम को खुजली वाले स्थान पर लगाएं। दोस्तों, सुबह कुछ दिनों तक एक चम्मच नीम की पत्तियों का रस पिएं। इससे खुजली की समस्या बेहद जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, 2 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस तथा 2 चम्मच नींबू का रस आपस में मिला लें और फिर इसे रुई के फोहे से लगाएं। ऐसा करने से भी खुजली की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाती है। साथियों, नीम की पत्तियों को पीसकर दही में मिलाकर खुजली वाले स्थान पर प्रतिदिन लगाएं। ऐसा करने से भी खुजली दूर होती है। दोस्तों, गर्म पानी में थोड़ी सी अजवाइन चटनी की तरह पीस लें, फिर इसे खुजली पर लगाएं। दोस्तों, 250 ग्राम तिल या सरसों के तेल में 4-5 चम्मच दूध का रस तथा 100 ग्राम पिसी हुई हल्दी मिला लें। अब इसको लोहे की कढ़ाई में पकाएं। थोड़ी देर बाद इस तेल को छानकर बोतल में भर लें। नित्य दिन में 3 बार रुई के फोहे से इस तेल को खुजली वाले स्थान पर लगाएं। दोस्तों, इससे खुजली की समस्या बेहद जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों, आधे नींबू पर थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी बुरक कर खुजली वाले स्थान पर अच्छी तरह लगाएं। ऐसा करने से खुजली की समस्या दूर होती है। साथियों, रोज सुबह 7-8 दिनों तक 4-5 नीम के कोपले चबा कर खा जाएं, ऊपर से ताजा पानी पी लें। ऐसा करने से भी खुजली की समस्या दूर होती है। तो साथियों, ये हमने आपको बताया खुजली होने के कारण और उसको दूर करने के बेहद ही आसान घरेलू उपाय। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियां हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय। Take care, be happy, धन्यवाद।